Hey guys, welcome back to our channel. I am Sneha और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है क्लास 10th का NCERT, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड सबके लिए क्वेश्चन है. अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में then also you can watch. See, the question is which term of the AP this is 78. इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, तो मतलब हमें एन निकालना है. आपको साफ साफ बोला है एपी, बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये जो क्वेश्चन है ये एपी का क्वेश्चन है. अब इसे फटाफट से देखते हैं सॉल्व कैसे करना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए. विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78. हमें एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट. कौन सा टर्म 78 होगा ये बताना है. तो कौन सा टर्म, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन. जैसे ही टर्म की बात आ गई तो आपको क्या फाइंड आउट कर देना है गाइस, एन. मतलब हमें एन निकालना है जो कि हमें नहीं पता. हमें क्या क्या गिवन है, ए. ए कितना है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3. देखो जिसे एपी नहीं पता उसके लिए भी मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, बहुत छोटा सा. ये एक एपी होता है, एपी होती है एक सीक्वेंस, एक सीरीज होती है जिसमें एक फिक्स नंबर का गैप होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. सबका जो गैप है सब में, सब नेक्स्ट टर्म में, वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है, फिक्स डिफरेंस रहता है. मतलब एक जो गैप है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. तो वो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस करके सब में सेम आएगा, ओके. उसे हम कहते हैं डी. उसे क्या कहते हैं हम, डी, विच इज कॉमन डिफरेंस. तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 - 3 = 5, 13 - 8 = 5, 18 - 3 = 18 - 13 = 5. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया गाइस, 5. ठीक है, ये हमारा 5 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस. अब हमारी इस सीरीज में फर्स्ट टर्म जो होता है हम उसको ए बोलते हैं, ए से प्रेजेंट करते हैं. तो इट मीन्स हमारा ए कितना हो जाएगा, 3. ए पता है, डी पता है. अब हमें एक फॉर्मूला पता है एन, ए एन का, जिसे कई स्टूडेंट या कई जगह कई बुक में कई टीचर्स एल से भी बताते हैं, जिसको कहते हैं लास्ट टर्म. ए एन इज ऑल्सो द लास्ट टर्म. इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी. आई होप इट इज क्लियर. तो देखिए ए एन, अब आप देखिए हमें ए पता है, डी पता है, बट हमें एन नहीं पता. और अगर हमें ए एन पता चल जाए तो हम इसमें आई पुट कर देंगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. अब ये ए एन क्या है, ए एन हमारा है 78. क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से टर्म की बात हो रही है. ठीक है, तो ए एन हम अज्यूम कर लेंगे 78 ए एन हो जाएगा. और ए हमें 3 है प्लस एन, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, डी, 5. क्लियर, 78 इज इक्वल्स टू. अब देखिए 3 यहाँ पे प्लस में है तो हम 3 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं सो दैट ये माइनस में बन जाए, सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, यहाँ हम कर देंगे -3 विच इज इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 5. 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 75. अब देखिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे हम डिवीजन में ले आएंगे, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके अगर मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन और डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है. तो 5 - 5 = 5, 5 - 5 = 2, 5 = 25, 5 = 5. तो ये कितने टाइम्स में गया, 15 टाइम्स में. तो यहाँ पे कितना आ गया, 15. जब मैंने 75 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 15. ठीक है, इज इक्वल्स टू एन माइनस, देखो कई स्टूडेंट को ये ऐसे कट करना नहीं आता तो भाई आप ये कर सकते हो, 5 - 5 = 2, 5 = 5, 5 = 5 and this is done. होप इट इज क्लियर. 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन. अब माइनस वन को इधर लेके चले जाएंगे तो 15 + 1 इज इक्वल्स टू एन. तो एन कितना आ जाएगा, 16. तो मतलब ये जो हमें पूछा गया था 78 कौन सा टर्म है, 16th टर्म है. तो हम क्या लिख देंगे, 16th टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78. 16th टर्म क्या है हमारा, 78 है. आई होप इट इज क्लियर. आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि
वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो मोटिवेट करना होता है अपने आप को हमें, बिकॉज फ़ोन सबको स्क्रॉल करने की आदत होती है, हम भी अपना फ़ोन साइड रख के अपने टाइम से छोटा सा टाइम निकाले कि यार नहीं वीडियो बनानी है। छोटी सी वीडियो आपको देखने में लग रही होगी बट उसके पीछे मोटिवेशन बहुत लाना पड़ता है, और ये सिर्फ आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब और शेयर की वजह से आता है, और स्पेशली कमेंट्स की वजह से। मैम नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, मैम ये वाले वीडियो भी बनाइए, मैम और वीडियोस बनाइए, तो उसके लिए मोटिवेट हम आपके इन सब कमेंट्स से मोटिवेट होते हैं और वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो भाई ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।